क्या हालचाल। आफ्टर 2-3-4 महीना के बाद हरिओम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। तो 4 लाइन पेश करते हैं कि गुजरते हर पल पे नजर रखते हैं, कि गुजरते हर एक पल पे नजर रखते हैं हम सब्र के साथ रहने का हुनर रखते हैं, और मेरी पीठ के जख्मों के वाजिब जिम्मेदारों याद रहे हम एक एक की खबर रखते हैं। दोस्तों ठंड बहुत है, चकाचक तरीके से, इसलिए स्वेटर वेटर पहन ली। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं मोटा दिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पतला दिखता तो आपने तो वायरल करा नहीं था मेरे को। इतना अच्छा तो फिर भी नहीं दिख रहा था मैं। खैर अब जो जैसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। आज आपको अपन कहानी सुनाते हैं मस्त बोल डाल की, कहाँ से शुरू करा कहाँ खत्म कर रहा है। खत्म तो खैर होगा नहीं, शुरुआत अपनी हुई थी साहब 2 साल पहले। एक ओपन माइक करके आ रहे थे साहब। तो कहते हैं ना कि कभी कभी मंजिल एक हो सफ़र एक हो तो अनजान भी एक साथी बन जाते हैं। तो वैसे हम बस में आ रहे थे, बस में मुझे 2 शख्स मिले, एक तो आपके काजल वाले शायर और एक हमारे हिडन व्यक्ति, छुपी हुई सरकार है जिसको कहते हैं हम एंजाइम कह सकते हैं, जो प्रक्रिया में शामिल नहीं होते लेकिन उनके होने से प्रभाव बहुत पड़ता है। तो हमारे हर्षवर्धन भैया। तो शुरुआत वहीं से हुई थी, उस बस में हमारा प्लान बना, बोल डाल नाम सजेस्ट करा किसी ने, तीनों में से एक ने बोल डाल नाम दिया, एक ने दिया दिल की बात, तो तीनों ने मिलाकर बनाया हमारा बोल डाल दिल की बात। तो कहते हैं ना शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन जो बीच का सफर रहता है ना वो बताता है कि यार मंजिल कितनी दूर है और कितनी कठिन है। तो जब हम शुरुआत करी थी तो हमारा ग्रुप इतना बड़ा था कि हम जहाँ अगर बैठ जाए तो वहीं एक ओपन माइक कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया लोग एक 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 करके हटते गए, क्योंकि लोगों का एम अलग था, उद्देश्य अलग था, उनका सपना नहीं था, सपना हमारा था। तो जहाँ हम 25-30 लोग थे वहाँ आज हम 3 लोग रह गए। खैर कहते हैं ना कि सोच सबकी अलग होती है और जुनून, हमारा जुनून अलग है। अभी कुछ दिनों से कहते हैं ना, आप बोल तो रहा हूँ आफ्टर 3-4 महीने, तो जो अभी कुछ दिनों से दोस्त कह रहे हैं कि यार बोल डाल बंद कर दिया क्या, बोल डाल बंद कर दिया, लाला बंद नहीं करा, रुक गया। बोलते हैं ना स्पीड स्पीड अगर धीरे हो जाए तो ये मत समझो कि रेस छोड़ देंगे हम, रेस है जीतेंगे भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हमको हमारे काम से हमारे प्रोफेशन से हमारा नाम नहीं बनाना, हमारा नाम बनाना है हमको हमारे हुनर से, और वो बना के रहेंगे। तो जहाँ हम ज़्यादा लोग थे आज 3 लोग रह गए, और हमारे जो सपोर्टर भी बड़े धन्यवाद करेंगे आपका, माहिर सपोर्टर हमारे व्यूअर। जब पहला वीडियो बनाया था तो 1 घंटे के अंदर 1,000 व्यू थे, और आज 1,000 व्यू एक हफ्ते में भी नहीं आते लला, क्यों? अब ये तो वो जाने कहता हूँ कि वो मेरी जो लाइनें कभी डायरियों में बंद थी ना, जब तक डायरियों में बंद थी, जो अल्फाज जब तक जुबान तक नहीं आए थे तब तक कहने वाले बहुत थे कि यार तू कोशिश तो कर, हम सब साथ देंगे यार, सपोर्ट करेंगे तेरा, अरे तो टेंशन मत ले हम खड़े। भाई जब शुरू करा तो पहला वीडियो था, खुशी मिली, वो खुशी आज तक नहीं, भले कोई दूसरा वीडियो ज़्यादा हो गया हो लेकिन जो सपोर्ट था ना अपनेपन की बात, आज देखते भी नहीं है, शेयर करना तो दूर की बात। और फिर जब कोई बड़ा व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, समझ तो गए होंगे, बोलते हैं ना जहाँ सारी दुनिया जाती है ना वहाँ लोग पीछे पीछे चले जाते हैं। जो लोग जब वो इंसिडेंट हुआ था, जब लोगों ने सब अपने आसपास के हुनर को आगे बढ़ाइए, अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाइए, ये करिए वो करिए, खाली व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा की स्टोरी तक ही करता कोई नहीं है, सब कहते हैं बस कि हाँ सपोर्ट करिए अपने आसपास के हुनर का। अरे भाई नहीं है, चलो हमारा हुनर कम है खराब है, अरे हम उतना नहीं कर पाते जितने आपको उम्मीद रहती, भाई गलती तो बताओ। मत पसंद करो वीडियो को, मत शेयर करो, आप सिर्फ एक बार देख लो, बुरा लगे कमेंट करो, बताओ गलती कहाँ है, डिसलाइक कर दो यार कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गलती यार भाई जब तक बीमारी पता नहीं चलेगी हम इलाज कैसे करेंगे। आपने यही नहीं बताया कि हमारी गलती कहाँ है। खैर कोई नहीं,
हम तो स्पीड भले ही स्लो है लेकिन जीतेंगे। कछुआ रेस जीत सकता है तो यार फिर तो हम भी इंसान है, करेंगे। उल्डाल बंद नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है चलो, अभी तक की कहानी यही, देखते हैं आगे का सफर है, कौन कौन साथ देता है कौन कौन नहीं देता है, लेकिन जब कुछ कर लेंगे तब ये दिन याद रहेंगे।